पंजाब सरकार की तरफ से जो वीकेंड के लॉकडाउन के नए आदेश जारी किए गए हैं, उसके बाद शनिवार को जिला गुरदासपुर में बाजार कई जगह खुले तो कई दुकानें बंद देखने को मिली। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वह प्रशासन और सरकार के हर आदेश की पालना करने को तैयार हैं, क्योंकि है उन्हें भी एहसास है कि कोई भी फैसला अगर सरकार ले रही है तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए ले रही है। इसके साथ ही दुकानदारों का यह भी कहना है कि सरकार ने पहले शनिवार को दुकानें बंद करने का आदेश दिया था और फिर दुकानें खोलने और आवाजाही बंद रहने का आदेश दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। अगर बाजार में आवाजाही नहीं होगी तो दुकानें खोलने का क्या लाभ। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि वह अपने इस वीकेंड लॉकडाउन को स्पष्ट करें। यशपाल चौहान, जिहड़ा दो दिन का लॉकडाउन किया शनिवार और इतवार को, मैं उहदे नाल जो भी प्रशासन ने फैसला लिया मैं उहदे नाल सहमति तो जरूर जताना, पर नाल नाल इस चीज़ का जरूर इतराज भी है कि अगर दुकाना खुलवाणियां तो पूर्ण रूप दे विच खुलवाईयां जान, गाहक दी भी आवाजाही बने, उस तरह दुकाना खोलन का कोई फायदा नहीं। अगर लॉकडाउन करना तो पूर्ण रूप दे विच दुकाना भी बंद होन और आवाजाही भी बंद होए। गुरदासपुर से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।